हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद सरफराज। मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। आज हम भारत में पाई जाने वाली भूगर्भिक चट्टानों का अध्ययन करेंगे, जो एक बहुत छोटा सा सिलेबस इसका है, लेकिन ये बहुत बोरिंग लगता है, लोग इसे पढ़ते नहीं। लेकिन मैं आपको आज भारत में पाई जाने वाली भूगर्भिक चट्टानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाऊंगा। इसे पढ़ने से पहले मैंने पिछले वीडियो में आपसे कुछ प्रश्न पूछा था, चलिए उसे हम देख लेते हैं। हमारे कुछ बड़े और छोटे भाई ने प्रश्नों का उत्तर दिया, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। तो हमारा प्रश्न था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किसी और नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम क्या है? अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किसी अन्य नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? तो उसका उत्तर होगा मरकट द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न था कि लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच कितने डिग्री चैनल है, मिनिकाय और मालदीव के बीच कितने डिग्री चैनल है? तो हम देखते हैं, यदि मानते हैं ये हमारा हो गया लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के दक्षिण में ये हो गया हमारा मिनिकाय, मिनिकाय जो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है, और इसके दक्षिण में यहाँ पे हो गया मालदीव, मालदीव की राजधानी माले है मालदीव। जिस प्रकार अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार के बीच में एक चैनल है जिसे 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार इन दोनों के बीच भी चैनल है, तो उस चैनल का नाम क्या है? तो मालदीव और मिनिकाय के बीच, मालदीव और मिनिकाय के बीच 8 डिग्री चैनल है, मालदीव और मिनिकाय के बीच 8 डिग्री चैनल है। इसी प्रकार मिनिकाय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है, मालदीव और मिनिकाय के बीच में 8 डिग्री चैनल, और मिनिकाय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। आपसे मेरा प्रश्न एक ये था, जिसमें हम पढ़ रहे थे भारत की समुद्र सीमा, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो भारत की समुद्र सीमा होती है वह नॉटिकल मील में मापी जाती है। तो एक नॉटिकल मील बराबर 1.8 मील होता है। तो हमने आपसे प्रश्न किया था कि एक मील बराबर कितने मीटर या कितने किलोमीटर होते हैं। यदि हम देखें तो एक मील बराबर 1609.3 मीटर होता है, 1609.3 मीटर होता है। आमतौर पर हम जानते हैं कि एक मील बराबर 1600 मीटर, इन एग्जैक्ट 1609.3 मीटर होता है। यदि हम इसे किलोमीटर में बदल दें तो यह हो जाएगा 1.609 किलोमीटर। एक मील बराबर 1.0609 किलोमीटर या 1609.3 मीटर होता है। तो ये हो गया प्रश्न। चलिए हम आते हैं इस पे, चट्टान पे, भारत में पाई जाने वाली भूगर्भिक चट्टान। तो इनका निर्माण कैसे हुआ? हम जानते हैं कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो वह आग की तरह, ये आग का गोला था, वह धीरे धीरे ठंडी होती गई। फिर उस पे जिस तरह वह धीरे धीरे ठंडी होती गई, चट्टानों का निर्माण होता गया। तो उसी क्रम में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले किस प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ और उसके बाद किस प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे सभी चट्टानों के नाम क्रम में लिखे हुए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी एक आग का गोला था, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, तब आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। यह प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी पे पाई जाने वाली सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है। तो हमारा उत्तर होगा इन सभी में से आर्कियन क्रम की चट्टान का निर्माण पृथ्वी पे सर्वप्रथम हुआ था, अर्थात यह सबसे पुरानी चट्टान है। अब नीचे आते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान। अब यह कहां पाया जाता है और इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। धारवाड़ क्रम की चट्टान मैंने चित्रों के माध्यम से समझाया हुआ है। देखिए यहाँ पे कर्नाटक राज्य है, मैंने आपको भारत की राज्य और राजधानी वाले वीडियो में सभी राज्यों की स्थिति दर्शाई थी, वो अगर आप उतना तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे कर्नाटक राज्य है, दक्षिण में केरल है, इसके पूर्व में तमिलनाडु, ऊपर आंध्र प्रदेश, इधर महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे ये है कर्नाटक राज्य में एक जिला है जिसे धारवाड़ जिला के नाम से जाना जाता है। तो इस चट्टान का निर्माण सर्वप्रथम की पहचान
यहीं पे हुई थी, इसीलिए इस चट्टान का नाम धारवाड़ के नाम पे रखा गया है। यह क्षेत्र केवल धारवाड़ नहीं कर्नाटक के शिमोगा और बेल्लारी जिला में भी विस्तृत है, अर्थात धारवाड़ क्रम की चट्टान कर्नाटक के धारवाड़ जिला, बेल्लारी जिला और शिमोगा जिला में पाई जाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों को समृद्ध चट्टान के नाम से जाना जाता है। यह आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत समृद्ध है, क्योंकि इन चट्टानों में लोहा, तांबा, मैग्नीशियम आदि बहुत बहुमूल्य धातु, सोना, चांदी पाए जाते हैं। तो इसलिए इस चट्टान को आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रश्न बनता है कि सोना किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो सोना धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। हम जानते हैं कोलार भट्टी की खाने कर्नाटक में है और कोलार की खान से ही भारत में सर्वाधिक सोना निकलता है। यह क्षेत्र यहाँ पर भी स्थित है। धारवाड़ क्रम की कुछ चट्टान राजस्थान के अरावली क्षेत्र में स्थित है। हम जानते हैं कि अरावली का विस्तार इस प्रकार है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों जो होती है वह कर्नाटक राजस्थान के अरावली क्षेत्र में भी पाया जाता है। आगे देखेंगे हम कुडप्पा क्रम की चट्टान। कुडप्पा क्रम की चट्टान आंध्र प्रदेश में एक स्थान कुडप्पा है, वहां पाया जाता है। इसका नामकरण कुडप्पा नामक स्थान से हुआ है। आगे हम देखेंगे विंध्यन क्रम की चट्टान। विंध्यन क्रम की चट्टान, तो देखिए यहाँ पे विंध्यन पर्वत श्रेणी है, इसका नामकरण विंध्यन श्रेणी के नाम पे ही हुआ है। यह चट्टान मध्य प्रदेश में विंध्यन श्रेणी और कुछ क्षेत्र इसका आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। विंध्यन क्रम की चट्टान भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। इसमें खड़िया, मिट्टी, संगमरमर आदि भवन निर्माण जैसी सामग्री पाई जाती है, लेकिन इस प्रकार के चट्टानों में हीरा भी पाया जाता है। यह प्रश्न बनता है कि हीरा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो हीरा विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में पन्ना की खान है जहां से हीरा प्राप्त होता है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान है जहां से हीरा पाया जाता है। मध्य प्रदेश में पन्ना की खान व आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान, यहां मैं डॉट डॉट काले डॉट के माध्यम से विंध्यन क्रम की श्रेणी में विंध्यन चट्टानों को और आंध्र प्रदेश में भी दर्शाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार मैंने आपको यहाँ पे हरे कलर से धारवाड़ क्रम की चट्टानों को कर्नाटक में और अरावली क्षेत्र में दर्शाने का प्रयास किया। चित्रों के माध्यम से समझने में आपको आसानी होगी। हमने आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुडप्पा क्रम की चट्टान और विंध्यन क्रम की चट्टान पढ़ चुके हैं। चलिए हम आगे चलते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टान। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चट्टान है। गोंडवाना क्रम की चट्टान नदी बेसिन में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए लाल कलर से मैंने गोंडवाना क्रम की चट्टानों को दर्शाया है। अब हम देखते हैं कि यहां से गंगा नदी निकलती है, आगे बढ़ती है, यहां से इसका एक भाग टूटता है और कोलकाता हुए अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराता है, जिसे हम हुगली नदी के नाम से जाने जाते हैं। हुगली नदी का एक सहायक नदी है जिसे हम गोदावरी के नाम से जानते हैं। हुगली नदी की एक सहायक नदी है जिसे हम सॉरी दामोदर के नाम से जानते हैं। दामोदर नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। देखिए यह दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। गोंडवाना क्रम की चट्टान में भारत का 98% कोयला पाया जाता है। यह प्रश्न पीसीएस जैसे एग्जाम के प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टान में पाया जाता है, जो 98% है। 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। यह हो गया आपका दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टान। इसी प्रकार हम देखेंगे तो महानदी घाटी क्षेत्र में भी गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इसके दक्षिण में देखेंगे तो गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में भी गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। गोंडवाना क्रम की चट्टान में मुख्यतः कोयला पाया जाता है। अब हम देखेंगे सबसे अंत में यह हो गया दक्कन ट्रैप की चट्टान। दक्कन ट्रैप यह एक पठार, दक्कन पठार के नाम से इसे जाना जाता है, जिसे मैंने ब्लू कलर के टिक से दर्शाया हुआ है।
चलिए इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। दक्कन ट्रैप, इसका निर्माण कैसे हुआ? हम जानते हैं अभी हम जब विश्व भूगोल पढ़ेंगे या भौतिक भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो वह एक द्वीप के रूप में था जिसे पैंजिया के नाम से जाना जाता था। पैंजिया, जैसे अगर हम दिखाना चाहें तो ये हो गया हमारे पृथ्वी, बीच में एक पैंजिया नाम द्वीप था, इसे पैंजिया के नाम से, सुपर पैंजिया के नाम से जाना जाता था। इसका बंटवारा हुआ, इसके उत्तर वाले भाग को अंगारा लैंड और दक्षिण वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। जो हम भारत देख रहे हैं यह पूरा आधा अंगारा लैंड का भाग है और आधा गोंडवाना लैंड का भाग है। दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड का भाग है, यहां से लेकर यह क्षेत्र इतना गोंडवाना लैंड का भाग है जो अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। जब यह अलग होने लगा, इसमें प्रसार होने लगा, द्वीप अलग होने लगे तो दरारी उद्भेदन हुआ और लावा निकला। उद्भेदन भी दो प्रकार से होते हैं, एक दरारी रूप में होते हैं, जब वो होते हैं तो फैल जाते हैं और कई किलोमीटर तक पठारों का निर्माण करते हैं, और जब ज्वालामुखी के रूप में होता है तो वह ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करता है। जब पृथ्वी अलग अलग हुआ अर्थात जो स्थल खंड जब वह एक दूसरे से अलग हुए तो दरारी उद्भेदन हुआ और लावा का प्रसार हुआ और लावा धरातल में फैल गया। इसी प्रकार यहाँ पे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, यह अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। तो जब ये अलग हुआ तो यहाँ पे दरारी उद्भेदन हुआ और लावा बाहर निकला जिससे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसका 75% भूभाग महाराष्ट्र राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में इसका 75% भाग है। इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश में और कुछ भाग, इसका इतना भाग मध्य प्रदेश में, यह क्षेत्र गुजरात राज्य में, बाकी 75% भूभाग महाराष्ट्र राज्य में है। यह हो गए भारत के भूगर्भिक चट्टानों से महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो होगा हिमालय। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।